तो झनक, अनी को देखते ही तुमने अपनी शादी करने का डिसीजन बदल दिया। अनी ने तुमसे कोई प्रॉमिस किया है क्या? वो ऐसा वादा मुझसे क्यों करेंगे? और अगर करते भी तो मैं मानूंगी क्यों? रियली? देखो तो सही कितनी इनोसेंट बन रही है। जब तुम गई थी तुमने हमसे कहा था कि हमसे कभी नहीं मिलोगी, लेकिन अब तुम्हें देखकर तो तुम क्या चाहती हो झनक? किसी दूसरे के पति के साथ जिंदगी भर घूमना चाहती हो? चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। याद है तुमने कहा था कि तुम्हारी और अनिरुद्ध की यहाँ के एक मंदिर में नकली शादी हुई थी? तो अब उसी मंदिर में अनिरुद्ध और अर्षी की असली शादी होगी, और उस शादी में तुम भी इनवाइटेड। ये मेरा फैसला होगा कि मुझे किससे शादी करनी और किससे नहीं। तुमने मुझसे क्यों कहा कि तुम दिल्ली किसी काम से जा रहे हो? अगर मैं तुमसे कहता कि झनक मुसीबत में है